देखिए, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जल संकट की संभावनाओं पर बड़ी गहरी नज़र रखते हुए जो उनकी चिंताएं होती थी हमेशा टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करके रिव्यू करके निर्देश देते थे, और जिस तरह से लू चली है, गर्मी पड़ रही है, जब सरकार तत्परता के साथ सारे संसाधनों को उपलब्ध करा रखी है और उसके क्रियान्वयन से अगर कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी मुंह मोड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको नपना तो तय है। और इन सारी समस्याओं को सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में पूरे राज्य को, पूरे देश को अपनी संवेदनाओं के साथ सरकार की तत्परताओं को भी सामने रख करके साफ शब्दों में कहा कि मैं इसे चुनौती के रूप में लिया हूं और इस चुनौती को मैं धरातल पर उतरवा के दिखलवाऊंगा। अगर यदि कोई व्यक्ति, कोई तंत्र अगर लापरवाही में आया है, लापरवाही बरती है, तो बख्शा नहीं जाएगा कि सक्षम नहीं है कोई, लेकिन लापरवाही जिस किसी की भी तरफ से हुई हो बख्शे नहीं जाएंगे। ये अस्पष्ट शब्दों में सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने जब व्यक्त कर दिया है तो अब इस पर कोई एक भट्ट का सवाल नहीं। अब भट्ट की भी कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं है। सदन में माननीय हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के पूरे वक्तव्य के बाद कुछ बच जाता है, इसलिए भट्ट की भी कांग्रेस अभी खुद किस जंगल में भटक रही है वो दूसरे की क्या बात करें। मांग है कि आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे से अलग हट रहे हैं। मुद्दा विहीन कांग्रेस को मुद्दा समझ में थोड़ी आता है, अगर समझ में आ जाता तो ये बुरा हाल थोड़ी होता। पूरा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, ऊपर से नीचे तक। हर घर नल जल योजना कांग्रेस के समय से चालू हुई थी, ये योजना जब हम सरकार में हम भी थे। इस योजना के प्रति हमारी भी हमदर्दी है और लगाव है कि पानी पीने का मिले लोगों, लेकिन उसमें भारी भ्रष्टाचार है। प्लास्टिक का पाइप यूज हो रहा है और पानी की किल्लत को लेकर जो बातें मुख्यमंत्री जी ने कही, उसके अतिरिक्त भी एक बड़ी वजह है कि आपने जो समरसेबल पंप लगाया है वो आसपास के 300-400 फीट के पानी के जल स्तर को खींच लेता है और उसके लिए कीमत ली जाती है 5 गुना अधिक। आम जनता 1 लाख के नीचे में समरसेबल पंप ले सकता है, लेकिन जो हर घर नल जल योजना के लिए समरसेबल पंप यूज हो रहा है उसके लिए 5-6 लाख रुपए के आवंटन किए जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? प्लास्टिक की पाइप क्यों है, क्यों दिया जा रहा है? और वो क्रैक करता है, इमीडिएट टूटता है और पानी बर्बाद होता है। ये सबसे गंभीर बात है कि PhD के अधिकारियों द्वारा अगर रिपोर्ट दी जाती है कि चापाकल ठीक कर दिए गए हैं जबकि ठीक नहीं किए गए हैं, ये बड़ी गंभीर विषय है। ये नहीं गंभीर नहीं, ये भ्रष्टाचार को पुख्ता करता है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बातें कही हैं उससे और साबित होता है कि PhD विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और मुख्यमंत्री जी के जानकारी में है और मुख्यमंत्री जी के आवश्यक निर्देश के बावजूद उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। तो इस विभाग के अधिकारी और मंत्री क्या कर रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री की चिंता को दूर करनी चाहिए। लूट मची है गाँव-गाँव में, पंचायतों में, हर जगह। ये पूरा विभाग ही करप्शन गड्ढा है। लगता है कि मुख्यमंत्री के इतने कड़े बयान के बावजूद भी मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा मुख्यमंत्री दे न दे तो वो उनका विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से बातें कही हैं उससे स्पष्ट हो गया है PhD विभाग में भ्रष्टाचार है और ये मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है। और मैंने देखा सदन में जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो वो मंत्री सोए हुए थे, समझ लीजिए। जब मुख्यमंत्री चोट कर रहे हैं कि चापाकल को लेकर, पेयजल को लेकर संकट जो है वो कहीं ना कहीं विभागीय गड़बड़ी का नतीजा है और मंत्री सो रहे हैं, ऐसे मंत्री लोग मंत्रिपरिषद में हैं क्यों और नीतीश जी ने उन्हें भला क्यों रखा है।